नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों घन है। पहला घन है एल बी एच, तीनों बराबर होंगे, यह भी एल होगा, यह भी एल होगा, एल एल एल, क्योंकि यह घन है, इसकी तीनों ही विमाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होकर एल होती हैं। इसी प्रकार से यह भी एक घन है, इसकी भी तीनों विमाएं बराबर होंगी, एल एल और एल होंगी। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, अब देखिए हमें घन का आयतन दिया गया है बच्चों, और घन का आयतन किसके बराबर दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब के। और हमें पता है घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है एल क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बच्चों, एल का क्यूब बराबर होगा 64, जो है यह होता है 4 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब एल का क्यूब आ गया 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो एल बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब घन का किनारा हमारे पास आ गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके आगे प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। प्रश्न यह है कि दो घन थे, दोनों को बराबर रखा, एक दूसरे के साथ मिला दिया। अभी मैंने यहां मिलाया नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। मान लीजिए साथ मिल गए तो क्या होगा बच्चों, ये जितनी चौड़ाई है ये तो एल ही रहेगी, ये जितनी ऊंचाई है ये भी इतनी ही रहेगी, परंतु ये जो लंबाई है, क्योंकि दो घन एक दूसरे के साथ इस प्रकार से लग दिए जाएंगे तो लंबाई जो है वह टोटल बड़ी हो जाएगी, यानी लंबाई हो जाएगी एल प्लस एल, एल प्लस एल हो जाएगा 2L। और इसको ऐसे बनाने से हमारे पास इस प्रकार का एक घनाभ आ जाएगा। इस प्रकार से जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल 2L, उसकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी L, और उसकी ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, यानी कि L। अब ये एक घनाभ बन गया, हमने निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 into LB plus BH plus LH। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना। अब देखिए इसमें 2 into L into B, L कितना हो जाएगा 4 plus 4 यानी कि 8, इंटू बी, बी कितना हो जाएगा, ब्रेड उतनी ही है L, L यानी कि 4 सेंटीमीटर, प्लस बी एच, देखिए ब्रेड है 4 और H भी है L के बराबर यानी कि 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4, प्लस L इंटू एच, L हो गया अब लेंथ, लंबाई कितनी हो गई 2L के बराबर, यानी कि 4 plus 4 8, इंटू H हाइट कितनी है इसकी, L यानी 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसे हम हल कर लेंगे तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दो को बाहर रहने दीजिए ऐसे ही, 8 गुना 4 ये हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, 8 गुना 4 हो जाएगा 32, प्लस 4 चौके हो जाएगा 16, प्लस 8 गुना 4 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 2 गुना 32 और 32 64, 64 और 16 हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसी को हम, जो हमारा उत्तर है, इसे हम दोबारा एक बार लिख देंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों देखा आपने, हमने देखा कि दो घन थे, दोनों को साथ रखने से बच्चों क्या होगा, घन की लंबाई बढ़ जाएगी, एक घनाभ बन जाएगा, उसकी लंबाई तो बन जाएगी L प्लस L यानी कि 2L, ठीक है, और उसकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। तो हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला निकाला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाला है 2 × LB + BH + LH। उस फार्मूले में L की जगह हम लिखेंगे 8। बच्चों 8 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मान लो ये 4 था और ये 4 था, तो अब हो गया 4 + 4 = 8, लेकिन जो चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी और जो ऊंचाई है वो भी 4 ही रहेगी। तो इस हिसाब से L की जगह 8, B की जगह 4, H की जगह भी 4 लेकर हमने इस फॉर्मूले में L, B, H की वैल्यूज डालकर और हमने इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, जो कि आया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आशा करता हूं इस प्रश्न, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियो देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।